पानीपत के अनाज मंडी में किसान बगैर मैसेज के गेहूं की फसल लेकर अनाज मंडी पहुंच रहे हैं, जिसके चलते उन्हें बगैर फसल बेचे ही लौटना पड़ रहा है। मंडी में पहुंचे बिंझौल के किसान धर्मवीर व ऊझा के सतबीर ने बताया कि उनकी फसल पककर तैयार हो गई थी, जिसके चलते वह मंडी में पहुंचे थे, लेकिन उनकी फसल की खरीद नहीं की जा रही है। इस दौरान उन्होंने बिना मैसेज के ही फसल खरीदने की मांग उठाई। वहीं मार्केट कमेटी के सचिव नरेश मान ने कहा कि मंडी में वे ही किसान पहुंचे जिनके पास मैसेज आया है। जो किसान बिना मैसेज गेहूं लेकर आएगा उसका गेट पास नहीं कटेगा। बिना गेट पास खरीदारी नहीं होगी, इसलिए किसानों से आग्रह है कि वे मैसेज के आधार पर ही अनाज मंडी में गेहूं लेकर आए। शेड्यूलिंग के मैसेज के अनुसार ही गेहूं की खरीदारी होगी। बता दें कि पानीपत अनाज मंडी समेत पूरे प्रदेश में गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। हालांकि पहले दिन पानीपत अनाज मंडी में कोई भी किसान गेहूं लेकर नहीं पहुंचा। दूसरे दिन शुक्रवार को जो 2 किसान आए हैं, लेकिन शेड्यूलिंग का मैसेज नहीं आने के कारण दोनों के गेट पास नहीं काटे गए। सरकार के आदेश अनुसार 1 अप्रैल से गेहूं की परचेज स्टार्ट है, बट किसानों द्वारा अभी आज कोई भी मंडी में ढेरी नहीं आई है, ठीक है। और जब कोई ढेरी नहीं आई तो उसमें परचेज कैसे करेंगे? तैयारियों की बात करें सर, अगर हाँ तैयारियाँ भी है मंडी में, प्रॉपर तैयारी है, पानी की, बिजली की, सफाई की, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो हमने किसान के लिए कल से एक हेल्प डेस्क भी लगाएंगे सवेरे गेट के ऊपर, कोई भी किसान संबंधी समस्या है तो वहाँ जाकर अपने दर्ज करवा सकता है। जैसे मेरी सडोली में हुई, कोई भी छोटा मोटा रीजन है उसके तहत किसान को रुकने के लिए व्यवस्था कुछ रात को रुकना पड़ता है अगर इस दौरान फसल लेके आता है तो? नहीं देखो, अभी तो हमारे पास ऐसा किसान का रुकने के लिए कोई रेस्ट हाउस नहीं है। फिर भी कोई है चाहता है कोई रुकना तो एक कमरा ऊपर खोल देंगे किसान के लिए, ऐसी कोई बात नहीं। पानी की व्यवस्था पूरी है क्योंकि पानी की समस्या है? नहीं सॉरी, पानी की प्रॉपर है, 2 ट्यूबवेल है जी, कोई समस्या नहीं जी। और चोरी होने का भी रहता है कि किसान कई बार कहते हैं सीजन पे फसल चोरी हो जाती है, इसके लिए क्या सुरक्षा के कोई मतलब व्यापक प्रबंध किया जाए, कोई गार्ड लगाया जाएगा, पुलिस की तैनाती, कुछ ऐसा होगा? अभी तो मंडी प्रधान से बात करेंगे। देखो अभी हमारे पास तो कोई सेंक्शन है नहीं गार्डों की, तो ठीक है, अभी देखते हैं उच्च अधिकारियों से इस मामले में बात करेंगे। जैसे हमने सब्जी मंडी में एसोसिएशन में मिलके सब्जी मंडी के अंदर राउंड क्लॉक में 3 गेटों पे 9 गार्ड लगा रखे हैं, खुद सैलरी में ही को देते हैं, एसोसिएशन की तरफ से सब्जी मंडी की तरफ से। फिर भी यहाँ भी को अगर कोई डिमांड अब अभी तो आई नहीं, आएगी तो उच्च अधिकारियों से बात करके इस मैटर पर भी सॉर्ट आउट कर दिए जाएंगे। हर एक सब किसान भाइयों से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि अपनी फसल को साफ सुथरी सुखा कर ही मंडी में लाएँ। अगर आप गीली मंडी में लाओगे तो कहीं कई दिन सूखने के कारण तो आपने मतलब गेहूँ बिकने में बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। और जिस टाइम चंडीगढ़ से आपको मैसेज आओ डेट पे, उसी ही डेट पे अपना मंडी के शेड्यूल के अनुसार ही मंडी में अपना गेहूँ लाए और मंडी के गेट पे अपना आईडी आधार कार्ड या फैमिली आईडी दिखाकर अपना गेट पास जारी करवाए। बिना गेट पास के कोई भी फसल मंडी में नहीं। भाइयों से एक और अनुरोध, कोई किसान अगर वंचित रह गया वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत बिना, तो सरकार के आदेश है 5 और 6 तारीख को 2 दिन के लिए, केवल 2 दिन के लिए ये पोर्टल ओपन रहेगा। अपने भी किसी भी सीएससी सेंटर में या हमारी कमेटी में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन या कोई त्रुटि है उसको ठीक करवा सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी, आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।